साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंथ यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी TSSC लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 19 तारीख से होना है वो 19 तारीख से ही होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने कल भी बताया था, गलत फहमी लोग पाल रखे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अफवाह उड़ा रहे हैं कि इसका जो DB है वो मतलब कोर्ट केस की वजह से आगे खींचने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपका 19 तारीख से ही DB होगा। दूसरा साथियों, जो DB स्किप अभियान चल रहा है साथियों, आपको इसमें बहुत बड़ी सफलता हासिल हो रही है, देखने को मिल रही है। अब देखो, इसमें कोई एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये आप लोगों की सफलता तो है, जो स्टूडेंट हैं छात्र छात्राएं उनकी सफलता तो है, लेकिन कोई कहे कि एक यूट्यूबर की सफलता है, ऐसा नहीं है। सारे यूट्यूबर जितने भी लोग किसी भर्ती में लगे हुए हैं, जैसे रेलवे की लेवल 5 या 6 में जो स्टेशन मास्टर वगैरह की, या SSC में कोई इंस्पेक्टर बन गया, कोई कहीं हो गया, उसमें यूपी की जितनी भर्तियां हैं जैसे PCS हो गया, लोअर हो गया, UPPCL हो गया, उनमें लग गए हैं, या तुम्हारा सबसे बड़ी भर्ती जो स्किप DB स्किप अभियान देखने को मिलेगा वो UPSI का, जो UPSI में लग गए हैं, वो लोग भी इस पर वीडियो बना रहे हैं, खुद से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने भी कहा होगा, ऐसी बात नहीं, इनिशिएट किया होगा। उनको भी लग रहा है कि नौकरी पाना कितना मुश्किल हो गया है इसके आज के वक्त में, क्योंकि नौकरी निकल तो रही नहीं है, तो वो नौकरी जो है वो पेश न जाए, इसलिए सारे लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और ये पहली भर्ती होगी इतिहास की जिसमें इतनी मेहनत की जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि SSC की भर्तियों में लोग डबल मतलब 3-4 बार मतलब उन्होंने DB नहीं कराया, लेकिन इस बार से कुछ अलग हो रहा है लेखपाल में, तो आपको ज़बरदस्त फायदा मिलेगा इसका। और ज़बरदस्त DB स्किप अभियान ये सफल हो रहा है, लेकिन ये आपका ही श्रेय जाता है पूरा। हर उस उठा के देख लो, बड़े शहर में लोग कोचिंग संस्थानों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो ये DB स्किप हो रहा है बहुत अच्छा खासा। और साथियों, मैंने पहले भी बताया था, आपको लगभग 2,500 से लेकर 3,000 इफेक्टिव DB स्किप देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बहुत सारी भर्तियों के नाम लिए, और तुम्हारा UPUP से ही, जैसे मैं कहूँ कि UPSI हो गया, लोअर हो गया, PCS हो गया, PCL हो गया, और तुम्हारा अगर स्टेट सेंटर की बात करूँ तो रेलवे हो गया, SSC हो गया, 2,500 से 3,000 इफेक्टिव DB स्किप देखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोग नए जो व्यूअर होंगे तो वो कहेंगे कि इफेक्टिव DB स्किप क्या है, तो इफेक्टिव DB स्किप साथियों वो DB स्किप है जो आपकी कट ऑफ को प्रभावित करेगा। इसका मतलब ये है कि इनके नंबर अच्छे खासे होंगे, ठीक है, जो आपकी कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, तो आपको 2,500 से 3,000 तो इफेक्टिव DB स्किप देखने को मिलेंगे, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, और अगर कुल DB स्किप की बात करें साथियों, तो 5,000 से ऊपर ही DB स्किप होने वाला है, 6,000 हो जाए, 7,000 हो जाए, 8,000 हो जाए, ये बात को मान के चलना आप, इतने DB स्किप हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई वेस्ट करना, अगर किसी की जॉब को वेस्ट करना कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा पुनी ले लिया जाए, तो इसके लोगों में मतलब जागरूकता फैली है, तो इतना DB स्किप तो होना ही होना है, ये मान लेना आप। और इतना DB स्किप हो गया तो आपकी जो कट ऑफ है, मैं बार बार कहता हूँ, शुरुआत में मैंने हर कैटेगरी के लिए वीडियो बनाया है कट ऑफ के लिए, तो उसको देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, जब फाइनल कट ऑफ आए तब मैच करना उस कट ऑफ को कि ये सही हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है साथियों, तो देखो जो कट ऑफ है आपकी लेखपाल की, जो कट ऑफ DB कट ऑफ से जो जनरल की है, OBC की है और EWS की, तीन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल की कट ऑफ 2 मार्क्स मैक्सिमम बढ़ेगी अगर 6-7 हज़ार DB स्किप हो जाते हैं, तो उससे ज़्यादा कट ऑफ किसी हालत में नहीं बढ़ेगी, ये बात मान लेना आप, उसके कम OBC की, उसके कम EWS की। और मैं बार बार 3-4 कैटेगरियों का नाम लेता हूँ, जैसे ST हो गया, SC हो गया, महिला हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, ये जो कैटेगरी हैं इनकी कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा कम बढ़ेगी, ऐसे मान लेना कि 0.25 या 0.50 मैक्सिमम, और एक नंबर तो कभी, अगर इस प्रकार का अगर DB स्किप हो रहा है तो एक नंबर भी नहीं बढ़ेगी, 0.75 बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बढ़ जाए तो 0.75 तक बढ़ पाएगी। ठीक है वह साथियों, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी बिना मतलब किसी कैलकुलेशन के आपको कट ऑफ बता देते हैं, लेकिन मैंने एक एक कट ऑफ जो आपको बताई है पूरी कैलकुलेशन के साथ बताई थी, और जो RTI के रिप्लाई आया था उसके साथ बताई थी, चाहो तो आप एक बार देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप जब फाइनल कट ऑफ आए तब उसको मिलाना, ठीक है। और जो मैं आज कह रहा हूँ उसकी बात को
तब एनालिसिस करना जब फाइनल कट ऑफ आ जाए आपकी, क्योंकि जो कैटेगरी है एससी एसटी महिला ओबीसी महिला और फ्रीडम फाइटर और तुम्हारी एक्स सर्विसमैन, इनकी कैटेगरी की कट ऑफ बहुत कम जाएगी, ठीक है। और ये 0.50 2.5 या 0.75 ये मैक्सिमम बढ़ा पाएंगे ये, अगर इतना डीबी स्किप होता है। ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं है कि कट ऑफ डीबी स्किप होगा वो सिर्फ जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस में होगा, एसटी में भी होगा, एससी में भी होगा, सारी कैटेगरी में डीबी स्किप होने वाला है, ठीक है। तो आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है साथियों। तो ये हो गया लेखपाल भर्ती के बारे में और जो मैंने बता दिया, और आपको एक ऊर्जा मिलती होगी अगर वीडियो देखते होगे तो। और कुछ लोग नेगेटिव हैं, वो तो नेगेटिव थॉट ही रखेंगे अपने आप में और मेरे को भी कमेंट उल्टे सीधे करते हैं, गालियां भी देते हैं, इससे कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप समझ जाइए कि आपको ऊर्जावान होना कितना ज़रूरी है। जब तक आपका लास्ट डीबी नहीं हो जाता, फाइनल रेट जब तक नहीं आएगा आपका लेखपाल का, तब तक आपको ऊर्जावान ही रहना है, अन्यथा की स्थिति में आप डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। दूसरा साथियों, जो जेई की भर्ती चल रही है अभी, जो आपके 2018 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, जिसका रिजल्ट, अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 तारीख को समाप्त हो जाएगा और बहुत सारे लोगों ने इसमें भी पार्टिसिपेट किया है कि जो 2016 में जेई में लगे हुए हैं वो डीबी स्किप करें, वो सही बात भी है। वो फालतू में बार बार पोस्ट बेकार कर रहे हैं तो सही नहीं लगता है। तो आपको जो इसका रिजल्ट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अक्टूबर में देखने को मिल सकता है, जो फाइनल रिजल्ट होगा इसका, ठीक है साथियों। तो आपको अक्टूबर में इसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर जे की नई भर्ती की बात करें तो साथियों, मैंने पहले ही बता रखा है कि पैट 2022 से ही नई भर्ती आने वाली है, इस पर अच्छे तरह से आयोग काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी साथी छूटे हैं या इनका किसी कारणवश जेई 2018 में सिलेक्शन नहीं हो पाया, इनका नाम नहीं आया, तो वो तैयारी करते रहें, जो 2022 से पैट से नई भर्ती आ रही है आपकी। अब देखो साथियों, बात करते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर, जो मैंने पहले ही बताया था आईटीआई इंस्ट्रक्टर और तुम्हारा बीपीयू, तो 1468 पोस्टों पे इसकी शॉर्ट लिस्टिंग साथियों आपको देखने को मिल जाएगी सितंबर में ही, ठीक है साथियों। सितंबर में आपको इसकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी और नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसके पेपर भी देखने को आपको मिले जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल तैयारी करते रहिए, जिससे आपको सक्सेसफुल मिल सके। दूसरा साथियों, एबीटी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, इसका रिजल्ट आ चुका है फाइनल। अब इसकी जो मैंने बताया था कि इसकी जो ज्वाइनिंग है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम खिंच जाए तो दिसंबर, लेकिन इसकी ज्वाइनिंग दीपावली से पहले ही होने की संभावना है। लेकिन मैक्सिमम बता रहा हूँ कि दिसंबर से आगे नहीं जाएगी, लेकिन दीपावली से पहले भी आपको खुशखबरी मिल सकती है फाइनल इसकी ज्वाइनिंग की। दूसरा, बीडीओ की डीबी कट ऑफ आपको नवंबर में देखने को मिल सकती है, और बहुत अगर इसका ओएमआर की चेकिंग होने लगी है और सारे कुछ अगर सुचारू रूप से चलने लगा तो अक्टूबर लास्ट तक भी देखने को आपको बीडीओ डीबी की कट ऑफ देखने को मिल जाएगी आपको। अन्य सूचनाओं के साथियों बात करें, अगर इसमें जो सूचनाएं हैं, जैसे मान लो कि बंद रोगा का जो रिजल्ट है मैंने बताया था सितंबर में ही देखने को मिल सकता है आपको। कंबाइंड टेक्निकल 2016, बहुत लोग परेशान हैं और बार बार मैं इसके बिल्ले हमेशा सूचना डालता हूँ। रीज़न क्या है, लोगों को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको कंबाइंड टेक्निकल पर काम चल रहा है 2016 वाले पर, और आपको रिजल्ट सितंबर में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद ASO 2019 का रिजल्ट देखने को मिलेगा, और मेडिकल जो फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल होना है साथियों, उसके बारे में भी चिंतित मत होइए, आपको सितंबर लास्ट तक मेडिकल की सूचना मिल जाएगी, अक्टूबर में आपका मेडिकल हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये सारी भर्तियों के बारे में मैंने सूचना दे दी, और जो नई भर्तियां निकल रही हैं बहुत सारी, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग बहुत सुचारू रूप से चलेगी, ये बात मान लेना आप। जितनी भी बैकलॉग की भर्तियां हैं, मैं बार बार कहता हूँ, बैकलॉग की जितनी भी भर्तियां हैं वो सारी भर्तियों को निपटाने का कार्य सचिव के द्वारा, जो EPSSC के सचिव हैं उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम दिसंबर तक इन भर्तियों को सबको निपटा दें, और अच्छी बात भी है निपटा देंगे, लेकिन BDO की भर्ती रह जाएगी क्योंकि बड़ी भर्ती है, अब बाद बाकी भर्तियां सब निपट जाएंगी। और उसके बाद हर साल जैसे पैट होगा, पैट से नई भर्तियां आएंगी, तो सुचारू रूप से काम चलेगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि ये जब जा रही है तब जा रही है, तो बिल्कुल एकदम से रिदम में चलेंगी और आपका रिजल्ट भी रिदम में आएंगे, ठीक है साथियों। तो ये रहा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लो, ठीक है साथियों, धन्यवाद।